हे गाइस, वेलकम टू प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो गाइस, आज ज्योग्राफी की फोर्थ लेक्चर है। अभी तक हमने प्लेट टेक्टोनिक्स तक कवर कर लिया है, एंड इन दिस फोर्थ लेक्चर हम बहुत ही छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थ की मूवमेंट या अर्थ के अंदर जो फोर्सेज हैं उसके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने पहले ही ना इसको थोड़ा सा रेडी रखा है, क्योंकि आसान हो जाएगा। सो गाइस, थोड़ा सा पेन की सेटिंग हो जाए, ये बहुत हार्ड। ओके गाइस, सो ये आप टॉपिक देख रहे हो, आज का ये टॉपिक है अर्थ मूवमेंट। सो गाइस, अर्थ के मूवमेंट या अर्थ के अंदर जो फोर्सेस होती है ना, अर्थ के अंदर नहीं, अर्थ पे जो फोर्सेस लगती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सोजेनेटिक एंड दूसरी होती है एंडोजेनेटिक। तो दो टाइप की ये फोर्सेज होती हैं। एक्सोजेनेटिक को आप कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, वेयर एज एंडोजेनेटिक को आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे वाई का भी रीजन लिख रखा है कि वाई एक्सोजेनेटिक फोर्सेज आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के या अर्थ के जो भी फीचर्स हैं उसकी हाइट को लो करते हैं, मतलब हाइट को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम ऐसे बोलते हैं, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बोलते हैं। वेयर एज ये जो एंडोजेनेटिक है इसको कंस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। तो इसलिए एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इसी के फर्दर ब्रांचेस हैं, मतलब कि इसी में आगे जाके और चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है। या आप लिखने का मन हो लिख लेना, या मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाए। ओके गाइस, तो ये देखो, अभी इसको थोड़ा सा ये देखो, तो ये है एक्सोजेनेटिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्सो एंड दिस वन इज एंडो। ओके, तो हम एक्सोजेनेटिक से स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो फोर्सेस डिस्ट्रक्टिव भी दो टाइप से कॉज करती हैं। एक तो होती है फोर्स जो डिस्ट्रक्शन करे उसको कहते हैं वेदरिंग, एंड दूसरी फोर्स जो डिस्ट्रक्शन करे उसको कहते हैं इरोजन। वेदरिंग इज एन इन सी टू प्रोसेस, वेयर एज इरोजन इज एन एक्स सी टू प्रोसेस। ये इन सी टू एक्स सी टू है क्या? इन सी टू जो उस जगह पे हो, जिस जगह पे आप जो चीज़ हो रही है ना उसी जगह पे हो। जैसे वेदरिंग है, सपोज करो ये एक वॉल है। ओके गाइस, ये एक वॉल है, आप एक ड्रिल मशीन लेके आए और इस वॉल पे यहाँ पे ये जो मैं इन सर्कल कर रहा हूँ छोटा सा एक डॉट है, इस पर आप ड्रिल करने लग गए, तो ये एक इन सीटू प्रोसेस है। जो यहाँ से जो इसके रॉक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे ना वो इधर ही रहेंगे अनटिल वो ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में आके नीचे गिरेंगे, तो वो एक इन सीटू प्रोसेस है। दिस प्रोसेस इज एन इन सीटू प्रोसेस। वेयर एज एक्स सीटू प्रोसेस क्या है? तो हवा आई, हवा ने यहाँ पे तो वैसे वेदरिंग हो गई थी, ये रॉक मटेरियल यहाँ गिरे थे, बट हवा ने इस मटेरियल को उड़ा के ले गई, चली चली उड़ी उड़ी मैं जो भी जैसे गाना है, तो वो मटेरियल उड़ के कहीं और चला गया, तो दैट इज इरोजन, उड़ के बह के या किसी भी तरीके से, तो दैट इज एक्स सी टू प्रोसेस। ओके, सो वेदरिंग जो इन सी टू है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे क्या होता है, तो मास मूवमेंट और लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा लैंडस्लाइड समझने में आपको। उत्तराखंड लैंडस्लाइड के पीछे का रीजन भी दूंगा, जो केदारनाथ वाला हुआ था ना वो भी बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, कैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आगे जाके बहुत अच्छी लगेंगी। और इरोजन एक्स सी टू प्रोसेस, एक्स सी टू को भी हमने फर्दर तीन कैटेगरी में बांट दिया है, एक होता है रिवर के थ्रू, एक होता है विंड्स के थ्रू, एक होता है ग्लेशियर्स के थ्रू। इसके भी फर्दर है, बट रिवर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं सीडीएस में, स्टैलेगमाइट स्टैलेक्टाइट क्या होता है, कौन से टोपोग्राफी का फीचर है, तो वो कास्ट टोपोग्राफी, ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म कैसे होता है, लैंडफॉर्म कितने स्टेजेस होते हैं, कि कोई नदी होती है या कोई रिवर होता है जो, तो सबसे पहले वो अपने यूथफुल स्टेज में जाएगा, फिर मैच्योर स्टेज में जाएगा, फिर ओल्ड एज में जाएगा। जस्ट लाइक अस, हम पहले यूथफुल बनते हैं जब हम छोटे होते हैं, तो हम बच्चे होते हैं जब हम थोड़ा बड़े होने लग जाते हैं, तो वी गेट इन टू यूथफुल स्टेज, फिर हम एक मैच्योरिटी वाले एज में आते हैं जहाँ पे हम सब चीज़ें ना बहुत मेंटेन करके चलते हैं, और फिर एक आता है लास्ट स्टेज जब ओल्ड एज आ जाता है, जब हमारे में एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो रिवर्स के साथ भी वैसा ही है कुछ, ये चीज़ अपने को पढ़नी है। और ये कास्ट टोपोग्राफी बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्यारा टॉपिक है,
दो चार टर्म्स हैं, मतलब जर्मन टर्म्स है इसलिए हार्ड लगता है, बट समझ आ जाएगा तो एक बार इजी हो जाएंगी चीजें। ये है, सो दिस होल थिंग इज एक्सोजेनेटिक गाइस, एक्सोजेनेटिक डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक गाइस, ये एंडो जेनेटिक, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड वेरियस अदर फीचर्स। तो इसको भी हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक होता है डाइस्ट्रॉफिक और दूसरा होता है कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक जैसे आपको नाम से ही लग रहा होगा कि कैटेस्ट्रॉफ मतलब कि बहुत फास्ट या सडन मूवमेंट होता है जो। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अर्थक्वेक बिल्कुल सडन होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हजार साल से कोई प्रोसेस हो रहा है और अब जाके 1,000 साल बाद अर्थक्वेक आएगा, नहीं, अर्थक्वेक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है और इसी में मास डिस्ट्रक्शन कर देता है। और एक दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है वोल्केनोज। तो ये दो फीचर्स आते हैं, ये कैटेस्ट्रॉफिक फीचर्स हैं। आपने को ये याद नहीं रखना कि ये कैटेस्ट्रॉफिक है या डायस्ट्रॉफिक है, मैं आपको बस फेमिलियर करा रहा हूँ ताकि समझ आए, एक ओवरव्यू बने। अब हम बात करते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस को हम बोलते हैं स्लो स्लो प्रोसेस। वाई स्लो प्रोसेस? बिकॉज ये मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स नहीं होते, इनमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ही स्लो। माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन्स रातों रात नहीं बनते, हिमालय रातों रात नहीं बने, मिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस भी क्या, बिलियंस कह लो यार, हाँ, तो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे मेरे हिमालयाज को बनने में, तो ऐसा नहीं है। तो एपिरोजेनेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं। माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस को कहते हैं एपिरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक, यहाँ पे ये दो देख लो, मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। आज की लेक्चर में मैं आपको बस फोल्डिंग और फॉल्टिंग यही दो चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वोल्केनिज्म। अर्थक्वेक्स हमने कर लिया है, पी एंड एस वेव्स याद होगा, एस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर। हाँ, सो आज चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं फोल्डिंग, फोल्डिंग के साथ, नॉट फोल्डिंग, इट्स फोल्डिंग, फोल्डिंग के साथ शुरू करते हैं गाइस। सो फोल्डिंग, फोल्डिंग है क्या बेसिकली? मतलब अब फोल्डिंग आप इसको ऐसे कह सकते हो कि दिस इज अ लैंड फॉर्म, ठीक है, इस पे इधर से भी प्रेशर लग रहा है एंड इस पे इधर से भी प्रेशर लग रहा है। जब इस पे आप दोनों साइड से प्रेशर लगाओगे तो एक पार्ट, ऑब्वियस ही बात है, दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है तो एक पार्ट नीचे जाना स्टार्ट करेगा एंड वन पार्ट विल राइज। ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हो या कॉन्टिनेंट ओशन हो, जो भी कंसिडर करना है वो कंसिडर करो, बट क्या होगा कि एक पार्ट जो होगा वो नीचे जाएगा और यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इसको उठाना स्टार्ट करेगा दूसरे वाले पार्ट को जो लाइटर पार्ट होगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पे ये फोल्ड्स, ये माउंटेन्स बनने लग जाएंगे एंड दिस इज नोन एज फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स को आप बेसिकली कह सकते हो एक कंप्रेशनल फोर्स है, फोर्स। ये भी नहीं हुआ तो सपोज करो एक ये पेपर है, दिस इज अ ए फोर शीट, आप ए फोर शीट को अपने हाथ में रख लो, इधर से प्रेस करो और इधर से प्रेस करो, आप देखोगे कि वो ए फोर शीट जो है ना वो बीच से उठ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे एक बीच में से उठ गया है वो। दिस इज वॉट, दिस इज कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशन दोनों साइड से हो रहा है और यहाँ पे ये अपलिफ्टमेंट हो रहा है। दिस इज नथिंग बट दिस इज फोल्ड माउंटेन्स। कुछ है क्या इसमें बताओ? अभी तक हम डरते थे कि यार पता नहीं फोल्ड माउंटेन्स कौन सी चीज है, क्या है, कुछ नहीं यार। तो फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयाज, हिमालयाज इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज क्यों हिमालयाज फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है? मैंने उस दिन कहा था कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, डबलिंग अप ऑफ अर्थक्वेक हुई जिसके कारण वोल्केनिज्म नहीं हुआ वहां पे, बट वहां पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गाइज फोल्डिंग। सो फोल्डिंग करने के बाद गाइज आओ अभी अपन चलते हैं किधर, फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं दिस फॉल्टिंग। फॉल्टिंग जहां पे हमने फोल्डिंग को पढ़ा था कि फोल्डिंग इज अ कंप्रेशनल फोर्स, यहां पे हम फॉल्टिंग को कहेंगे इट इज अ टेंशन। सपोज करो ये एक लैंड मास है,
अच्छे से करता हूँ यार, समझा रहा हूँ। सपोज दिस इज अ लैंड मास, ओके। तो अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो ये जो रुको, कलर चेंज अच्छा लगता है अलग अलग कलर से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ना ये लैंड फॉर्म पे टेंशन आ रहा है, इधर इधर फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो एक पॉइंट के बाद ये लैंड फॉर्म, सॉरी, ये एक पॉइंट के बाद जो ये लैंड फॉर्म है ना, इसको आप ऐसा दिखा सकते हो। यार ये क्या हो रहा है। हाँ, एक पॉइंट के बाद आप इस लैंड फॉर्म को ऐसे दिखा सकते हो कि ये पूरा ही टूट गया था ना, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे। क्योंकि हमने यहाँ दिखाया है कि ये पूरा ही यहाँ से ब्रेक करेगा। तो सपोज करो कि जब एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है, तो ये चीज़ें यहाँ से ब्रेक करनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये ब्रेक करते करते ऐसा बन जाएगा। तो ये पार्ट तो अपलिफ्ट रह जाएगा, वेयर एज ये पार्ट नीचे चला जाएगा, नीचे। हाँ, तो ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं हॉस्ट, जर्मन टर्म है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये जो डाउनवर्ड पार्ट है, जो नीचे चला गया, ग्रैबन, ये होता है। इसी को आसान भाषा में हम कहते हैं हॉर्स्ट को ब्लॉक माउंटेन्स, और इसी ग्रैबन को आसान से भाषा में हम क्या कहते हैं, सो रिफ्ट वैलीज। सुना होगा ये नाम, रिफ्ट वैलीज। ये है कि फॉल्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे टेंशनल फोर्स बना। ये फिगर वन में देखो आप, और ये फिगर टू है। फिगर वन में देखो यहाँ पे कि ये जो टेंशनल फोर्स बना ना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से बने, और ये इस फोर्स के कारण ये लैंड मास ब्रेक कर गया, जहाँ पे मैं स्केच कर रहा हूँ अलग सा। तो ये ब्रेक कर गया, और ये ब्रेक करने के बाद जो अपलिफ्टेड पार्ट रह गया, उसको हम कहते हैं हॉस्ट, और कॉमनली यूज टर्म है ब्लॉक माउंटेन। वेयर एज जो पार्ट नीचे की ओर चला गया, उसको हम कहते हैं ग्रैबन, जिसका कॉमनली यूज टर्म है रिफ्ट वैली। फॉल्टिंग गाइज वेरियस, मतलब फॉल्टिंग को हम तीन टाइप्स में कह सकते हैं। फॉल्टिंग इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। वन इज नॉर्मल फॉल्ट, वन इज रिवर्स फॉल्ट, एंड द थर्ड वन इज स्टेप फॉल्ट। ये कैसे होते हैं ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, CDS CAPF नहीं पूछने वाले इतना। अपने को बस एक चीज़ ये जानना है कि इंडिया में जो रिफ्ट वैली है, दैट इज, सॉरी नर्मदा क्यों लिख रहा हूँ, इंडिया में जो रिफ्ट वैली है ना गाइज, हाँ, वो है विंध्याज एंड सतपुराज। ये एग्जाम्पल है अपने को ब्लॉक माउंटेन के, ब्लॉक माउंटेन, और इनके बीच में विंध्याज एंड सतपुराज एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन के, और इनके बीच में जो रिफ्ट वैली है ना, सपोज लेट मी मेक मैप ऑफ इंडिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि ये अरावली है, यहाँ पे विंध्याज हैं एंड ये सतपुराज हैं। इसको मेंशन कर देता हूँ, विंध्याज एंड दिस वन इज सतपुरा। तो ये विंध्याज और जो सतपुराज है ना, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स के, और इनके बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा, और ये यहाँ पे ओरिजिन होती है। इस ट्रायंगल का नाम है अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ पे ज्योतिर्लिंग वगैरह भी हैं शिव जी के, महाकाल। तो अपने को एक चीज याद रखनी है कि इंडिया में जो ब्लॉक माउंटेन्स है, दैट इज विंध्याज एंड सतपुराज, ये ब्लॉक माउंटेन्स है, और ये कौन से टाइप के फॉल्टिंग से बने हुए हैं, तो सो दीज विंध्याज एंड सतपुराज आर मेड अप ऑफ रिवर्स फॉल्ट। विंध्याज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विंध्याज एंड सतपुराज
नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है या स्टेप फॉल्ट है। हाँ, तो इसका आप कहोगे कि विंध्याज एंड सतपुराज आर क्या है, तो आप क्या कहोगे कि विंध्याज एंड सतपुराज आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स फॉल्ट। गाइस, मैं आपको बस यही बताना चाहता था, मेरा मेन मोटिव यही था इसमें कि आपको याद हो जाए कि विंध्याज और सतपुराज आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स फॉल्ट। सामने दीवार पे लिख लो कि विंध्या और सतपुरा रिवर्स फॉल्ट के एग्जाम्पल है। वेयर एज नर्मदा एक नदी बहती है वहां से, दूसरी नदी एक है तापी, वो भी यहाँ से निकलती है और फिर ऐसे ऐसे, ये अमरकंटक से नहीं, मुलतई करके एक जगह है वहां से निकलती है। यहाँ पे बस मैं दिखाने के पर्पज से आपको ऐसे बता रहा हूँ, याद रखना मुलतई तापी वहां से निकलती है। सो ये रिफ्ट वैली से निकलती है और यहाँ से ऐसे 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 फिर ऐसे सतपुरा के साउथ से फ्लो करते हुए ये वेस्टवर्ड मूव कर जाती है। यहाँ पर दो मेजर रिवर्स हैं जो इंटायरली आप कह सकते हो कि फ्लो करती हैं, फ्लोज एंटायरली थ्रू रिफ्ट वैली। क्वेश्चन बहुत कॉमन एग्जाम में, सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ, एफ कैट, जिस मर्जी एग्जाम में देख लो कौन सी दो रिवर्स हैं जो मेजरली इंटायरली रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो आप प्यार से कहना, आप आंख बंद करके नर्मदा और तापी पर टिक मार के आओगे। और भी दो तीन रिवर्स हैं गाइस जो रिफ्ट वैली से निकलती हैं, फॉर एग्जाम्पल सोन रिवर, रिवर सोन एंड रिवर दामोदर। एक मैं स्टार पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, रिवर सोन एंड दामोदर ऑल्सो ओरिजिनेट्स, ये रिवर ओरिजिनेट होती है रिफ्ट वैली के पास, ओरिजिनेट्स एंड रिफ्ट वैली। बट जहाँ बट आ जाए ना, ध्यान लगा लिया करो, बट डजंट फ्लो एंटायरली, कैसे एंटायरली थ्रू रिफ्ट वैली। इसके रिफ्ट वैली के इंटायरली सिर्फ और सिर्फ नर्मदा और तापी फ्लो करती हैं। ये चीज़ हो गई गाइस। फॉल्ट में भी गाइस बहुत चीज़ है, रिकम्बेंट फॉल्ट, एंटी क्लाइन सिंक्लाइन। एंटी क्लाइन सिंक्लाइन मैं बता दूँ आपको, वैसे इतनी ज़रूरी चीज़ है भी नहीं एंटी क्लाइन सिंक्लाइन फॉल्ट में। दिस, ये जो अपर पोर्शन है इसको एंटी क्लाइन कहते हैं एंड दिस लोअर पोर्शन इज नोन एज सिंक्लाइन। यही चीज़ है फोल्ड्स में, मैं एक ये चीज़ बताना चाहता था क्योंकि फोल्ड्स में और देखा जाए तो कुछ खास है नहीं सी डी एस सी ए पी एफ पर्सपेक्टिव से। मैं आपको फॉल्ट्स में कुछ और चीज़ बता सकता हूँ, जैसे कि रिफ्ट वैलीज की हम बात कर रहे थे ना, तो वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज हैं, इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज, सम इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज हैं। एक तो हमने नर्मदा वाला देख लिया, एक है राइन रिफ्ट वैली, ठीक है, ये किधर है, जर्मनी, ये आपको जर्मनी में मिल जाएगा। और मतलब एक जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे है ये, कह सकते हो ना कि उधर की लाइफ लाइन है। इन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा इंटरलिंकिंग डेवलप कर रखा है ना कि मतलब बहुत एफिशिएंटली चीज़ें कर लेते हैं इस रिफ्ट वैली को यूज़ करते हुए। यहाँ पे एक माउंटेन भी है, वॉस्गिस माउंटेन, जो फ्रांस में पड़ता है। हाँ, वो यहाँ पे आपको कह सकते हो ये ब्लॉक माउंटेन का काम करता है, ये ब्लॉक माउंटेन है, काम क्या करता है, ब्लॉक माउंटेन है ही। और आपको लेक बैकाल, एक ये भी एक रिफ्ट वैली लेक है, ये किधर है, तो रशिया में है। वर्ल्ड्स, इसके बारे में एक फैक्ट जान लो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया का कौन सा है गाइस, इंडिया का है वुलर लेक, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। इंडियाज लिख देता हूँ यार, एफ कैट, एफ कैट, इवन सी डी एस भी में भी पूछ चुके हैं ये क्वेश्चंस कि इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सो दैट इज वुलार लेक, कहाँ पे है, तो अपना जम्मू एंड कश्मीर में। ये भी लिख दूँ, ये भी लिख देता हूँ यार, क्या दिक्कत है, जे के, सॉरी गाइज मेरी हैंड राइटिंग के लिए, इसको जे एंड के में किधर है, तो जे एंड के में।
दो हो गए, एक एक मैंने बता दिया आपको राइन राइन रिफ्ट वैली के बारे में, एक लेक बैकाल के बारे में, तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर सबसे बड़ा रिफ्ट वैली पूछे ना, बिगेस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट, नॉट बिगेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली, तो दैट इज इन अफ्रीका। ये चीज़ है। और गाइस आज के लेक्चर में हम इसके आगे भी जा सकते हैं, बट 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि 45 मिनट और 1 घंटे का लेक्चर बने। सो अगले लेक्चर में गाइस हम क्या बात करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम गाइस स्टार्ट करेंगे वोल्कैनो करेंगे, और वोल्कैनोज के बाद हम करेंगे रॉक्स, जहाँ पे हम बात करेंगे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। हाँ, और उसके बाद हम बात करेंगे वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में, जहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम। और इस लेक्चर के बाद आप बोलोगे कि यार मैं फिजिकल ज्योग्राफी में प्रो हो गया हूँ। सो अगले 1 2 3 4 लेक्चर्स, ये 4 लेक्चर्स और टोटल 8 लेक्चर्स के बाद गाइस आप बोलोगे यू आर अ प्रो इन फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, और आप खुद रियलाइज करोगे कि कितना बदलाव आया है आप में इस क्लास के बाद। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू गाइस।